CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला, पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। किराएदार को नहीं मिलेगा हाउस डैमेज मुआवजा, इस सरकारी फरमान से किराएदारों का मन हुआ दुखी। मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने सिलचर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा मालिक को ही मिलेगा, किराएदारों को मुआवजा नहीं मिलेगा। राहत शिविर में रहने वालों को मुआवजे के तौर पर 3800 रुपये दिए गए हैं। अब मालिकों को घर के नुकसान की राशि हाउस डैमेज असेसमेंट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहत शिविर में रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवारों को 3800 रुपये दिए गए हैं। कछार में अब तक 22,000 परिवारों को यह आर्थिक मदद दी जा चुकी है। अब जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है उनकी सूची तैयार कर जल्द ही आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। और डिपार्टमेंट वाइज अभी विभिन्न ठाई चाहिए अक फ्लाड हाउस एसेसमेंट नो पी एच सर जीधरण क्षय क्षति तारे पी एच सर जल जीवन मिशनरों रिव्यू ला जल जीवन मिशन की आज स्किलर डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी आम बहिशी किम जो बस यार आम प्लेन किधरण सजेशन तारोपरि टूरिजिम होटेलर्स एसोसिएशन भुवन पहाड़ एसोसिएशन आमार जिकेटा सनबिल बराक भेलीर एंटायर टूरिजिम सेक्टर जड़ित लोकर बहि टूरिजिम सम्पर्क किसु कथा आलोचना कर भाड़ाटिया हाउस डेमेज एसेसमेंट के पा यार आम पैसा दी आसो हाउस डेमेज घर डेमेज भाड़ाटिया तो घर डेमेज न घर तो डेमेज हमें घर मालिकर हम गति के भाड़ाटिया घर डेमेजर पैसा तो नपा भाड़ाटिया तक जो पानी उठी जिसके केम्पत आसे केम्प लाइक सीचुएशन आसेक इतिम्य पैसा दियाक 3800 टका आम दी कि जी हाउस डेमेजर पैसा तो भाड़ाटिया नपाय। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने तिरंगे झंडे के साथ प्रभात फेरी करने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। 26 जुलाई पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने का दिन है। इस दिन को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा, राष्ट्रीय समिति और असम प्रदेश युवा मोर्चा ने देश के अन्य राज्यों के साथ साथ असम के सभी जिलों में प्रभात फेरी का आयोजन किया। भारत माता के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमितेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में 300 से अधिक युवा मोर्चा सदस्यों ने भाग लिया। प्रभात फेरी को आधिकारिक तौर पर ईटखोला जिला भाजपा कार्यालय से सुबह 7:30 बजे शुरू किया गया। सिलचर विधायक दीपायन चक्रवर्ती, कछार जिला भाजपा अध्यक्ष विमलेंदु राय, कछार जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष अमितेश चक्रवर्ती सहित जिला युवा मोर्चा के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। और ये उत्सवे प्रथम सेना जवान जरा भारत सुरक्षार दिखे लक्ष्य रेखे उन बलिदान दिए तरह निवेदन करण प्रथम शतकोटी प्रणाम निवेदन कर भारतीय सेना जवाना एक प्रतिकूल परिस्थिति एकदम नीचे छें तरपे जे हमारे पार्श्ववर्ती राष्ट्र पाकिस्तान राष्ट्र से ही सकल सें नियत करगिल विजय लाभ कर সেটা একটা আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেক যুব মোর্চার কর্মী বন্ধুরা মিলে আমরা আজকে উৎসব মুখর হয়ে আমরা এই দিন পালন করছি। 26 জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস। এই কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে আজকে আমরা এখানে পদযাত্রার মাধ্যমে আমরা কার্গিলের যে শহীদরা আছে ওনাদের উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এই র্যালি। अलकायदा में शामिल होने के दौरान बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया काटी घोरा का युवक। बेंगलुरु पुलिस ने अलकायदा में शामिल होने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कछार जिले के काटी घोरा विधानसभा क्षेत्र के गांव के अख्तर हुसैन लश्कर नाम का एक युवक को गिरफ्तार किया है। खबर है कि अख्तर सालों पहले काटी घोरा से बेंगलुरु गया था, वहाँ जाकर जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। अख्तर हुसैन काटी घोरा में राज टिल्ला जीपी के पूर्व जीपी अध्यक्ष स्वर्गीय अब्दुल कादिर लश्कर का बेटा है। अख्तर के 3 भाई और 1 बहन है। बहन की शादी हो चुकी है और 1 भाई कुछ दिन पहले काम के सिलसिले में बेंगलोर गया है। मीडिया से बात करते हुए अकबर के बड़े भाई अमीर हुसैन लश्कर और पड़ोसी नूरुल इस्लाम ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसने और कैसे अख्तर को फंसा दिया, वह ऐसी गतिविधियों में शामिल है, मुझे नहीं पता। खबर सुनकर गाँव के सभी लोग स्तब्ध रह गए।
এখনো পর্যন্ত পুরো ক্লিয়ার পাই আর একদম ক্লিয়ার কোনো জিনিস পাইছি না, খালি জাস্ট শুনছি যে গত রবিবারে রাত্রে বা শনিবারে রাত্রে দুইটা ঘটত তারে পুলিশে উঠাই আনিছে। তানি কেন ফুড ডেলিভারি করতো, ডেলিভারি বয় আসলো এখানে 2018 গেছে, এরপর থেকে কেন আসে এখানে পড়াতো আসলো কিছু করছে না। এইচএস পাস ডিয়ারও কতদিন ক্লাস করছে, এরপরে আর কি বাড়ির কন্ডিশন খারাপ আসল, যার লাগে বাইরে গেছি। এটা কোনো চক্রান্ত বা ওরকম কিছু হইতে পারে, হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াত কোনো কমেন্ট টুমেন্ট করছে, আজকাল করতো হইতে পারি না, কিতা করলো না করলো ওরকম কিছু হইতে পারে, ওটাও আমার সন্দেহমূলক। যে আমি নিউজে যেটা পাইছি আর কি, লোকাল একটা নিউজ আজকে আমি দেখছি, দেখেছি যে তারা আর কি ওরকমও হে কিতা একটা জিনিস কমেন্ট করছে, যার লাগি তারে ও গুড় ভিত্তিতে তারে উঠেই আনিস। कछार में कोविड संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कछार के जिला मजिस्ट्रेट रोहन कुमार झा पिछले बुधवार को कोविड जांच में कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनका फिलहाल कोविड के नियमों के तहत इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उनके संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा है। इस बीच 1 जुलाई से जिले में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 569 हो गई है। डॉक्टरों की सलाह से ज़्यादातर कोविड पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कछार जिले में पुलिस ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट किया। पिछले एक साल में कछार जिले में विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किया गया है। कछार पुलिस ने शनिवार को श्रीकोना में जब्त किए गए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया। जिले के विभिन्न स्थानों से जब्त की गई हेरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा, कफ सिरप और याबा टेबलेट को जलाकर नष्ट किया गया था। आधिकारिक तौर पर इस मौके पर असम पुलिस के दक्षिण असम रेंज के डीआईजी कोंकण ज्योति सैकिया और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमनदीप कौर ने नशीले पदार्थों में अपने हाथों से आग लगाकर नष्ट करने की शुरुआत की। साथ ही कफ सिरप की बोतलों को बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया गया। तारापुर वकील बाजार में चाकू मारकर युवक की हत्या, एक गिरफ्तार। पूरे शहर में सनसनी फैली। तारापुर के वकील बाजार में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम विवेक दे है, जिसकी उम्र 21 साल बताई गई है। वह मालूग्राम के मेला रोड निवासी राणा दे के पुत्र थे। परिजनों ने बताया कि घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है। युवक अपने दोस्त से किसी बात पर विवाद कर बैठा, तभी युवक ने 21 वर्षीय विवेक को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब परिजनों ने हत्या में शामिल युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जांच करने पर पुलिस ने मदन मोहन लेन तारापुर से गन्हाई कमाई, जिसकी उम्र 21 साल है, गिरफ्तार किया। घटना के कारणों की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। মালগাম দেবসরণী পিচ নম্বর 1। আমার বাড়িতে আমার ছেলে আনছে আমার দোকান, আমি বলে বাবা মানে সারিয়া বুকের বেদনা আছে, তার বাইক আছে, কেটিএম বাইক, বাইক নিয়ে গেছে না, আমার একটিভা স্কুল লিয়ে গেছে, আমার দোকান সাতটা স্টেশন সারিয়া বলে বাবা তোমার 8টার সময় আমি তো নিয়ে দেবো গিয়া উনিশটা পর্যন্ত দোকানে ছিল নেটওয়ার্কটা আছে আমার। এটা বাবা ছেলেও ঠিক আছে, বাবা ওই যে সারিয়া গেছে, আমার ছেলে 8টার সময় আইছে না, আমি আইছে না ছিল আমার বাইক আছে গিয়া তাহলে শুনি এরকম একটা মেডিকেল থেকে ফোন এলো, এরকম এরকম হইলো আমার ছেলে মোবাইল নেবা, তারা গেছে কি আমার কথা না শুনে গেছে গিয়া তার দেখে দিল তো রাজি সুটে করো দাদা বিবেক তো নাই কিতা কাজ বলা তবে বুঝছি না আমার এক ছেলে এই ছেলেটা এইভাবে মারছে, তারা আমার বাচ্চারে তারা এইভাবে মারছে, আমি তো বাপ স্বপ্নেও করছি না। কে মারছে কে মারছে তুই জানলে শুনি, এটা তো তোমার পুলিশও রাস্তা নাই, তারপর আমি দেখবো না, আমি কী দেখবো, আমি কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছে ঘটনা হয়ে যাচ্ছে, আমি জানলে তো কইতাম তোমার খারাপ সামনে আছে আমার, আর তো অত আটটা বিতে এরকম ঘটনা আছে, এটা সব তো ঘটে যায়, একটা একটা গামছা পাওয়া গেছে, জানি না মেডিকেল গেপ করে দিলেন জানি না, এবার মেডিকেল যাওয়ার পরে তারা কেউ ইয়ে করে না, কেয়ার করে না। আমরা আমি যখন গেছি তখন বাজি 9টা, আমার ছেলে তখন এখানে 6-7টা ইয়ে আছে, এটা আপনার মোবাইল দিয়ে আর মাথা দিয়ে ব্লিডিং হতে আছে, নার্স ডক্টর কোনো রেসপন্স দেয় না, আমরা গোয়া সুদরতে গেছি তো কিতার লাগে মালা বাচ্চারা এরকম কোন কি সাহেব নি আমি চাই কিতা আসামি ধরা হইতো সে তো হইতে না এক ছেলে জীবন যা কামাইছি সব দ্রব দিতে রাজি আছে। असम विश्वविद्यालय छात्र सभा चुनाव 2022 का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दिन छात्र परिषद के विजयी उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी के साथ ही समर्थक छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट के सामने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। अध्यक्ष शुभम चंद, AGS महिला सृजना मित्रा, महासचिव अरुणाभा दत्त चुने गए।
रॉबिनहुड आर्मी 13 देश में काम करने वाला एक स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन है। संगठन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा के लिए भोजन की व्यवस्था करना और भोजन को बर्बाद होने से बचाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। इसके अलावा रॉबिनहुड के बैनर तले समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की एक पहल भी कर रही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रॉबिनहुड आर्मी एक मिशन पर है। देशभक्ति के इस पर्व के क्षण रॉबिनहुड आर्मी की इच्छा है कि वह पूरे भारत में 75 लाख लोगों को भोजन परोसकर प्रत्येक रॉबिनहुड आर्मी शहर में 75 लोगों को सशक्त बनाएगा। एक शून्य निधि संगठन होने के नाते रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से सबसे अनुरोध किया गया है कि आप चावल, दाल, तेल, सोयाबीन आदि जैसे कुछ कच्चे माल की मदद करके मददगार बनिए और हम उन वंचितों तक पहुंचने में मदद करेंगे जिन्हें वास्तव में इन सब चीज़ों की जरूरत है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समाज के वंचितों की खातिर आगे आएं, हमारी मदद करें। दीपक दास, सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, रॉबिनहुड आर्मी सिलचर चैप्टर और रॉबिन दीपिका देव। 75তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার জন্য প্রতিবারের ন্যায় এবারও রবিনহুড আর্মি শুরু করতে চলেছে একটি জাতীয় স্তরের ক্যাম্পেইন, মিশন 75। এই মিশন 75-এর মূল লক্ষ্য হলো প্রথমত দেশের 75 লক্ষ অভাবগ্রস্ত ও গৃহহীন লোকদের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া। সেই খাদ্য সামগ্রী তালিকায় রয়েছে চাল, ডাল, তেল, লবণ, বিস্কুট, মশলা ইত্যাদি। তাছাড়াও এই মিশনের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো শহরে 75 জন অভাবগ্রস্ত ও শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী লোকদের বাছাই করে তাদের জীবনকে একটি নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা। তাদেরকে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি? যেমন অভাবী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো, শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী লোকদের হুইলচেয়ার প্রদান করা, চোখের সমস্যায় আক্রান্ত লোকদের চিকিৎসা করানো, ভরণ পোষণ করতে অক্ষম ব্যক্তিদের সব ধরনের সাহায্য প্রদান করা। যেহেতু আমাদের রবিনহুড আর্মি একটি জিরো ফান্ড বেসড অর্গানাইজেশন, তাই আমরা রবিনহুড আর্মি শিলচর শাখার সদস্যরা আপনাদের সকলের কাছে বিনম্র অনুরোধ রাখছি, আপনারা সবাই নিজেদের সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন এবং আমাদের এই মিশন 75কে সফল করে তুলতে আমাদেরকে সাহায্য করুন। মনে রাখবেন, আমরা নগদ টাকা গ্রহণ করি না। আপনাদের অবদান এবং আপনাদের সমর্থন আমাদের একটি ক্ষুধামুক্ত সমাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। प्रदर्शन मार्च और स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया कछार जिला युवा कांग्रेस ने। कछार जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद रंजीत देवनाथ ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन कछार जिला कांग्रेस भवन से रंजीत देवनाथ के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया। पुलिस ने पार्क रोड से गुजरने से पहले स्टेट बैंक के सामने जुलूस को रोका तो उन्होंने वहाँ विरोध किया। नाराज कांग्रेसियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में पुतला फूंका। उनको पता नहीं है एक 75 साल का एक महिला सांसद के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। अरे स्मृति ईरानी, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो, माफी मांगो इस देश से कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल नहीं दे पाया। माफी मांगो स्मृति ईरानी कि आपने बोला था सरकार बनाने के बाद सिलेंडर 200 रुपये का करेगा, 1300 रुपये। माफी मांगो स्मृति ईरानी, आपने अवैध तरीके से अपना बेटी का पर्स चलाने के लिए आपने उनको लाइसेंस दिया। माफी मांगो स्मृति ईरानी, आपने बड़ा बड़ा लेक्चर मारा है। आज आप 75 साल हो गए, एक महिला के ऊपर आपने अत्याचार किया है, जिस तरह से आपने व्यवहार किया है हम लोग धिक्कार करते हैं, आपका निंदा करते हैं। काटीघरा विधायक खलील मजुमदार, संचिता आचार्य और उनके साथी ने यूथ कांग्रेस के साथ सहयोग किया। विरोध मार्च में लवली पाल, जावेद अख्तर लश्कर, रणधीर दे, कछार जिला कांग्रेस अध्यक्ष तमाल कांति बनिक, पूर्व विधायिका रूमीनाथ सहित कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता शामिल हुए। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।